तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आपको टेक्नो स्पार्क H0। नेटवर्क की बात करें तो ये 4G प्लस वाईफाई सपोर्ट करेगा। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसकी डिस्प्ले ये मिल रही है यहाँ पर 6.8 इंचेस के साथ, बाकी मोबाइलों से 2 इंचेस ज्यादा है। अगर इसकी इंटरनल मेमोरी की बात की जाए तो इसकी इंटरनल मेमोरी यहाँ पर रहेगी 4GB रैम एंड एक्सपेंडेबल मेमोरी यहाँ पर रहेगी 128GB, और वो सपोर्ट कर सकती है 256GB के साथ। 48MP का ट्रिपल कैमरा मिलेगा, हेलियो G85 इसकी CPU है, ये एंड्रॉइड 11 सपोर्ट करेगा। एंड देन अगर इसकी डिमेंशन की बात की जाए तो यहाँ पर इसके नीचे मिलेगा ये पावर ऑन ऑफ का कंट्रोल, एंड जस्ट इसके ऊपर मिल रहा है वॉल्यूम अप डाउन के बटन। एंड देन ये लुक है इसका, नीचे मिलेगा एक ईयरफोन का पोर्ट, एंड देन इसके बराबर में है ये स्पीकर, बीच में मिलेगा चार्जिंग का पोर्ट। कुछ इस तरीके से इसका लुक है, काफी अच्छा लुक लग रहा है। और ये जो फ्रेम दिया हुआ है इतना, ये कैमरे के साथ ये भी काफी अच्छा लग रहा है। टेक्नो स्पार्क की बेजिंग है यहाँ पर। 3 कैमरे मिलेंगे इसमें आपको एक फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे की रेजोल्यूशन की बात की जाए तो सबसे पहला कैमरा यहाँ पर मिलेगा आपको 48MP का, दूसरा और तीसरा कैमरा जो मिलेगा ये इसमें वो मिलेगा आपको 2MP का। अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसमें एक आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, फ्रंट कैमरे की रेजोल्यूशन रहेगी 8MP की। और अगर इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो ये बैटरी कैपेसिटी है 5000mAh में, एंड्रॉइड 11 ये सपोर्ट करेगा। अब इसके थोड़े से देख लेते हैं कैमरे की, कि कैमरे की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं इसकी। तो ये है इसका रियर कैमरा, और रियर कैमरे में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। जैसा कि पहला ऑप्शन मिल रहा है शॉर्ट वीडियो का, AI कैमरे का, VOT का, पोर्ट्रेट का, सुपर नाइट का। और सुपर नाइट के साथ साथ इसमें मोर में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं, इसमें काफ़ी सारी ऑप्शन मिलेंगे आपको। यहाँ पर भी काफ़ी सारे मोड मिल रहे हैं आपको, जैसे शॉपिंग का मोड है, प्लेस का मोड है, डाइनिंग का मोड है, एंड देन सर्च का मोड है, टेक्स्ट का मोड है, ट्रांसलेट का मोड है, ये काफ़ी सारे मोड मिल रहे हैं इसमें। टेक्नो स्पार्क 8 प्रो के अगर रेगुलर प्राइस की बात की जाए तो इसका रेगुलर प्राइस रहेगा लुलू हाइपर मार्केट अल रयान मॉल में 699 रियाल, और इस पर अभी कोई भी ऑफर नहीं है, इसलिए ये रेगुलर प्राइस में ही सेल आउट हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट मोबाइल मैं दिखाने वाला हूँ टेक्नो कैमन 18 को। नेटवर्क की बात करें तो ये नेटवर्क 4G सपोर्ट करेगा प्लस वाईफाई के साथ। अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो ये डिस्प्ले मिलेगी इसकी यहाँ पर 6.8 इंचेस के साथ। अगर इसकी इंटरनल मेमोरी की बात की जाए तो 6GB इसकी इंटरनल मेमोरी रहेगी, एंड देन एक्सटर्नल मेमोरी है इसकी 128GB, और ये एक्सपेंडेबल मेमोरी सपोर्ट कर सकता है 256GB तक। CPU हेलियो G88 इसके CPU कोर है, एंड्रॉइड वर्जन ये 11 सपोर्ट करेगा। अगर इसके रियर कैमरों की बात की जाए तो इसमें रियर में आपको 3 कैमरे मिलेंगे, जिसमें कि सबसे पहला कैमरा मिलेगा आपको 48MP का, और बाकी 2 कैमरे जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं आपको 2 मेगापिक्सल के, मतलब कि ये 48MP का, ये 2MP का, एंड ये 2MP का। यहाँ पर टेक्नो कैमन की लोगो है। अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसका फ्रंट कैमरा यहाँ पर मिलेगा 16MP का, यानी कुछ देर पहले जो दिखाया था मैंने टेक्नो स्पार्क 8 उसका है 20MP, एंड देन इसका है 16MP। तो 16MP की कैमरे की क्वालिटी भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे इसके रियर कैमरे की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं। तो रियर कैमरा ये है, इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि फिल्म का ऑप्शन, ये है वीडियो का ऑप्शन, A1 कैमरे का ऑप्शन, ब्यूटी का ऑप्शन, पोर्ट्रेट का ऑप्शन, सुपर नाइट का ऑप्शन। और इसमें मोर में आपको काफ़ी सारे मोड मिल जाएंगे, जैसे ट्रांसलेट का मोड है, टेक्स्ट का मोड है, सर्च का मोड है, होमवर्क का मोड है, शॉपिंग का मोड है, प्लेसेस का मोड है, डाइनिंग का मोड है, ये काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन ये तभी चालू होंगे जब इसमें इंटरनेट कनेक्शन चालू होगा तब। टेक्नो कैमन 18 के अगर बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो इसकी बैटरी कैपेसिटी रहेगी 5000mAh में, एंड्रॉइड वर्जन ये 11 सपोर्ट ही कर रहा है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका रेगुलर प्राइस रहेगा 799 रियाल, यानी 799 रियाल। अगर 799 रियाल को इंडियन रुपीज में मैं कन्वर्ट करके बताऊँ तो इसका प्राइस हो जाएगा लगभग 16,500 इंडियन रुपीज। तो गाइज यहाँ पर मैं नेक्स्ट मोबाइल दिखाने वाला हूँ आपको टेक्नो कैमन 18P। कुछ देर पहले जो दिखाया था वो दिखाया था 18, ये दिखा रहा हूँ 18P। अगर इसके नेटवर्क की बात की जाए तो ये नेटवर्क 4G सपोर्ट करेगा प्लस वाईफाई के साथ। अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो ये डिस्प्ले आपको मिलेगी यहाँ पर 6.8 इंचेस के साथ, और आई थिंक टेक्नो में जितनी भी डिस्प्ले हैं वो मिल रही हैं सब 6.8 इंचेस के साथ। एंड्रॉइड वर्जन ये 11 सपोर्ट करेगा। अगर इसकी इंटरनल मेमोरी की बात की जाए तो इसमें 8GB
इंटरनल मेमोरी मिल जाएगी। एक्सटर्नल मेमोरी की बात की जाए तो इसमें 128GB एक्सटर्नल मेमोरी रहेगी। एंड देन अगर इसकी एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात की जाए तो 256GB तक ये सपोर्ट कर सकता है। CPU Helios G96 इसकी प्रोसेसर कोड रहेगी। अगर इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। अगर इसकी डिमेंशन देखें तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे मिलेगा वॉल्यूम अप डाउन का बटन, एंड देन जस्ट इसके ऊपर मिलेगा पावर ऑन ऑफ का कंट्रोल। नीचे मिलेगा एक चार्जिंग का पोर्ट, ईयरफोन का पोर्ट और स्पीकर, देखने में कुछ इस तरीके का है। इसका ट्रिपल कैमरा है। अगर कैमरे की रिजोल्यूशन की बात करें तो इसमें 48MP का कैमरा मिलेगा सबसे पहला। दूसरा कैमरा मिलेगा आपको 13MP का यानी 13MP का, और तीसरा कैमरा मिलेगा इसमें आपको 2MP का। अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसका फ्रंट कैमरा मिलेगा आपको 16MP का, यानी ये कैमरा जो मिल रहा है ये फ्रंट का, ये मिल रहा है आपको 16MP का। कैमरे की रिजोल्यूशन भी देख लेते हैं कि इसकी रिजोल्यूशन कैसी है, कैसी नहीं, कैसी क्वालिटी है कैमरे की। तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी, वो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ऑप्शन वही है सेम जो कि टेक्नो के मैं 2 मोबाइल में दिखा चुका हूँ आपको। ये टेक्नो कैमन का जो है यहाँ पर बेजिंग है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस रहेगा 999 रियाल यानी 999 रियाल, और ये रेगुलर प्राइस है। अगर 999 रियाल को इंडियन रुपीज में मैं कन्वर्ट करके बताऊँ तो इसका प्राइस लगभग 20,500 इंडियन रुपीज के करीब में हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट मोबाइल में दिखाने वाला हूँ कैमन 18 प्रीमियर। अगर इसके नेटवर्क की बात करें तो ये नेटवर्क 4G सपोर्ट करेगा प्लस वाईफाई के साथ। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसकी डिस्प्ले यहाँ पर मिलेगी 6.7 इंचेस के साथ। एंड्रॉइड वर्जन ये 11 सपोर्ट करेगा। एंड देन अगर कैमरों की बात की जाए तो इसके रियर में आपको कैमरे मिल जाएंगे। सबसे पहला कैमरा मिलेगा यहाँ पर आपको 64MP का, दूसरा कैमरा मिल रहा है यहाँ पर आपको 12MP का, एंड थर्ड कैमरा मिल रहा है आपको 8MP का। अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसका फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा 32MP का, जिसकी रिजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि 32MP का इसका सिर्फ फ्रंट का कैमरा है। अगर इसके रैम की बात की जाए तो इसकी इंटरनल मेमोरी रहेगी 8GB, और एक्सटर्नल मेमोरी की बात की जाए तो इसकी एक्सटर्नल मेमोरी रहेगी 128GB, और यह सपोर्ट करेगा 256GB तक। सबसे पहले देखते हैं कैमरे की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं। कैमरों में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जो कि अभी अरबिक में है तो इसलिए मैं सही से समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन ऑप्शन और मोड वही हैं जो कि टेक्नो के बाकी मोबाइल में थे। खैर सबसे पहले फ्रंट का कैमरा भी देख लेते हैं, कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट का कैमरा रहेगा। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो इसकी बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर मिलेगी 4750mAh में, यानी 4750mAh इसकी बैटरी रहेगी। प्रोसेसर की बात की जाए तो मीडियाटेक हेलियो 696 ये सपोर्ट करेगा। खैर इसके अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो इसका प्राइस रहेगा 1199 रियाल यानी 1199 रियाल। अगर इस सऊदी रियाल को इंडियन रुपीज़ में मैं कन्वर्ट करके बताऊं तो इसका इंडियन रुपीज़ में प्राइस हो जाएगा लगभग 24,500 इंडियन रुपीज़। इसका जो है रेगुलर प्राइस है, इस पर अभी कोई भी ऑफर नहीं है, यानी रेगुलर प्राइस में ये सेल आउट हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट मोबाइल आपको दिखाने वाला हूँ टेक्नो कैमन 17 प्रो। अगर इसके नेटवर्क की बात करें तो ये 4G प्लस वाईफाई सपोर्ट करेगा। अगर इसके ये डिस्प्ले की बात की जाए तो ये डिस्प्ले यहाँ पर मिलेगी आपको 6.8 इंचेस के साथ। अगर इसकी इंटरनल मेमोरी की बात की जाए तो इसकी इंटरनल मेमोरी रहेगी यहाँ पर 8GB, और इसकी एक्सपेंडेबल मेमोरी यहाँ पर है 256GB, और इसकी एक्सटर्नल मेमोरी यहाँ पर 256GB। अगर इसकी डिमेंशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे नीचे मिल रहा है ये पावर ऑन ऑफ का कंट्रोल। इसके जस्ट ऊपर मिलेगा वॉल्यूम अप डाउन के बटन, नीचे मिल रहा है एक चार्जिंग का पोर्ट, यहाँ पर मिल रहा है एक एयरफोन का पोर्ट, और यहाँ पर इसके स्पीकर, और कुछ इस तरीके का इसका बैक का लुक है। कैमन का यहाँ पर बेजिंग है देख सकते हैं, और ये फ्रेम जो है कैमरे का ये काफ़ी अच्छा है जो कि एक अच्छा लुक दे रहा है इसको। इसमें आपको 4 कैमरे मिल रहेंगे और प्लस LED फ्लस लाइट मिलेगी। अगर कैमरों की बात की जाए तो सबसे पहला कैमरा यहाँ पर मिलेगा इसमें आपको 64MP का, एंड थर्ड कैमरा मिलेगा 12MP का, और 2 कैमरे जो मिल रहे हैं आपको वो मिलेंगे आपको 88MP के। अगर फ्रंट कैमरे की बात की कर ली जाए तो इसका फ्रंट कैमरा मिल रहा है यहाँ पर 48MP का, मतलब कि मैंने जितने भी अभी टेक्नो के मोबाइल दिखाए हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस वाले मोबाइल की रिजोल्यूशन है, मतलब कि एक कैमरा मिला 48MP का। यहाँ पर नेक्स्ट मोबाइल मैं दिखाने वाला हूँ टेक्नो पोवा 2। अगर इसकी इंटरनल मेमोरी की बात की जाए तो 6GB रैम मिलेगी इसमें, और एक्सटर्नल मेमोरी है इसमें 128GB की, 48 क्वाड कैमरा है, हेलियो G85 इसकी CPU है, और
बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें 7000 mAh की इसमें बैटरी मिल जाएगी। एंड्रॉइड वर्जन की अगर बात की जाए तो एंड्रॉइड वर्जन ये 11 सपोर्ट करेगा। खैर इसके सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क की, तो ये 4G सपोर्ट करेगा प्लस वाईफाई के साथ। अगर इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो ये डिस्प्ले यहाँ पर मिल रही है 6.9 inches के साथ IPS LCD, कैपे एक्टिव टच स्क्रीन है। अगर ऑक्टा कोर की बात की जाए तो 2.0 GHz इसकी ऑक्टा कोर रहेगी। कैमरे की बात की जाए तो रियर में आपको इसमें 4 कैमरे मिल रहे हैं। सबसे पहला कैमरा मिलेगा आपको 48 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा मिला आपको 2 मेगापिक्सल का, थर्ड और फोर्थ कैमरा मिलेगा आपको 2-2 मेगापिक्सल का, प्लस LED इसमें प्लस लाइट है। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा इसमें आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, यानी सामने का कैमरा जो मिला इसमें 8 मेगापिक्सल का, और आई थिंक ये सबसे कम है, नहीं तो बाकी मोबाइल में जो है 32 मेगापिक्सल तक रहा। अब इसके अगर प्राइस की बात की जाए तो टेक्नो पोबा 2 का प्राइस रहेगा 829 रियाल, लेकिन इसमें डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस हो जाएगा ओनली 799 रियाल। यानी 799 रियाल को अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताऊं तो इसका प्राइस हो जाएगा लगभग 16,500 इंडियन रुपीज़। तो थोड़ा सा क्लिप्स जो है मैं कैमरे में दिखा दूं। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर वीडियो का, दूसरा मिल रहा है शॉर्ट वीडियो का, A1 कैमरे का, ब्यूटी का, पोर्ट्रेट का, सुपर नाइट का, और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें ऑप्शन में भी काफ़ी सारे मोड मिल जाएंगे। नेक्स्ट मोबाइल में दिखाने वाला हूँ यहाँ टेक्नो पोबा नियो। अगर इसके नेटवर्क की बात करें तो 4G प्लस वाईफाई सपोर्ट करेगा। इसकी इंटरनल मेमोरी की बात की जाए तो 4GB इसकी इंटरनल मेमोरी रहेगी। एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें यहाँ पर तो 64GB इसकी एक्सटर्नल मेमोरी रहेगी। 6000 mAh में इसकी बैटरी कैपेसिटी रहेगी अगर इस टेक्नो पोबा नियो की। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो इसकी डिस्प्ले ये मिलेगी 6.8 inches के साथ। डिमेंशन में दिखा दूं तो डिमेंशन में वही है, सबसे पहले मिलेगा यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का कंट्रोल, इसके जस्ट ऊपर मिलेगा वॉल्यूम अप डाउन के बटन, और कुछ इस तरीके का यहाँ पर लुक रहेगा। पीछे इसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया है। नीचे मिलेगा इसमें स्पीकर और चार्जिंग का पोर्ट। रियर में अगर कैमरों की बात की जाए तो इसमें रियर में आपको 2 कैमरे मिलेंगे, डुअल कैमरा मिला, डुअल कैमरे की यहाँ पर बेजिंग भी है जैसे कि आपको नजर आ रही होगी। अगर इसके कैमरों की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें कैमरा मिलेगा 13 मेगापिक्सल का और दूसरा रहेगा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का, यानी फ्रंट कैमरा जो मिल रहा है आपको वो मिल रहा है आपको 8 मेगापिक्सल का। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो इसकी बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर रहेगी 6000 mAh में। एंड्रॉइड की बात की जाए तो एंड्रॉइड वर्जन ये 11 सपोर्ट करेगा टेक्नो पोबा नियो के। अगर रेगुलर प्राइस की बात की जाए तो इसका रेगुलर प्राइस यहाँ पर रहेगा 569 रियाल, यानी 569 रियाल। अगर 569 रियाल को इंडियन रुपीज़ में मैं कन्वर्ट करके बताऊँ तो लगभग इसका प्राइस हो जाएगा 11,500 इंडियन रुपीज़। और ये जो है अभी इस रेगुलर प्राइस पे सेल आउट हो रहा है, इस पर अभी कोई भी ओपन नहीं है। तो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट मोबाइल में आपको दिखाने वाला हूँ टेक्नो स्पार्क 6GO। सबसे पहले अगर इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें 6.52 इंचेस की IPS LCD क्या पे एक्टिव टच स्क्रीन मिल जाएगी। अगर इसके नेटवर्क की बात की जाए तो इसमें नेटवर्क 4G प्लस वाईफाई के साथ सपोर्ट करेगा। मेमोरी कार्ड की बात की जाए तो मेमोरी कार्ड में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है इंटरनल मेमोरी का 32GB और इसकी एक्सटर्नल मेमोरी रहेगी 64GB। बॉडी लुक की बात की जाए तो डिमेंशन वही रहेगी बाकी मोबाइल की तरह, जैसे कि यहाँ पर है पावर ऑन ऑफ के कंट्रोल, इसके जस्ट ऊपर मिल रहे हैं आपको वॉल्यूम अप डाउन के बटन, नीचे मिल रहा है एक चार्जिंग का पोर्ट प्लस यहाँ पर एक ईयरफोन का पोर्ट। कुछ इस तरीके का इसका रियर लुक है, टेक्नो का लोगो मिल रहा है, स्पार्क की बेजिंग मिल रही है और कुछ इस तरीके का इसका रियर लुक रहेगा कैमरों का। इसमें आपको 2 कैमरे मिल रहे हैं, मतलब डुअल कैमरा है, प्लस इसमें आपको मिल रही है फ्लैश लाइट। पीछे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी दिया गया है, मतलब कि पहला कैमरा मिलेगा आपको 13 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा मिलेगा 2 मेगापिक्सल का, और इसमें आपको फ्रंट में एक कैमरा मिल जाएगा। फ्रंट कैमरे की मेगापिक्सल यहां पर रहेगी 8, यानी फ्रंट कैमरा जो मिल रहा है आपको वो मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का। एंड्रॉइड वर्जन की बात की जाए तो एंड्रॉइड वर्जन ये 10 सपोर्ट करेगा। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो टेक्नो स्पार्क 6GO की बैटरी कैपेसिटी यहां पर रहेगी 5000 mAh। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो लुलु हाइपर मार्केट अल रयान मॉल में इसका प्राइस रहेगा 449 रियाल, यानी 449 रियाल। अगर इसको इंडियन रुपीज़ में मैं कन्वर्ट करके बताऊं तो लगभग इसका प्राइस हो जाएगा 9,500 इंडियन रुपीज़। और ये जो है अभी लुलु हाइपर मार्केट अल रयान मॉल में रेगुलर प्राइस पे जो है सेल आउट हो रहा है, इस पर कोई भी अभी ऑफर नहीं है। गाइज यहाँ पर नेक्स्ट मोबाइल और मैं दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है टेक्नो स्पार्क 8। मतलब सबसे पहला मोबाइल जो दिखाया था मैंने वो दिखाया था टेक्नो स्पार्क 8 प्रो, लेकिन अभी दिखा रहा हूँ मैं टेक्नो स्पार्क 8। अगर इसके नेटवर्क की बात की जाए तो ये 4G प्लस वाईफाई सपोर्ट करेगा। अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें डिस्प्ले ये मिलेगी 6.8 inches के साथ। इंटरनल मेमोरी की बात की जाए तो इसमें 4GB इंटरनल मेमोरी रहेगी और एक्सटर्नल मेमोरी की बात की जाए तो 64GB इसमें एक्सटर्नल मेमोरी रहेगी, लेकिन ये मोबाइल मेमोरी को सपोर्ट कर सकता है 256GB तक। लुक की बात करें तो
कुछ इस तरीके का इसमें लुक रहेगा, मतलब कि रियर लुक जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें। बैक में आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, डुअल कैमरा मिलेगा एक फ्लैश लाइट के साथ इसमें आपको, जो कि अभी दिख रहा होगा। डिमेंशन में वही है, नीचे मिल रहा है एक चार्जिंग का पोर्ट इसमें राइट साइड में है, स्पीकर और इधर दिया गया है, ईयरफोन का पोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, पावर ऑन ऑफ के कंट्रोल इसके जस्ट मिलेंगे, ऊपर वॉल्यूम अप डाउन के बटन। रियर में आपको दो कैमरे मिल रहे हैं, सबसे पहला कैमरा रहेगा इसमें 48 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा मिल रहा है आपको 2 मेगापिक्सल का, यानी दूसरा कैमरा जो है 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसमें फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, यानी सामने का कैमरा जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 8 मेगापिक्सल का। अगर इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो बैटरी कैपेसिटी इसमें रहेगी यहाँ पर 5000 mAh में। और इसके रेगुलर प्राइस की बात की जाए तो लुलु हाइपर मार्केट अलरेयान मॉल में इसका रेगुलर प्राइस रहेगा 599 रियाल, यानी 599 रियाल। अगर 599 रियाल को इंडियन रुपीज़ में मैं कन्वर्ट करके बताऊं तो इसका प्राइस लगभग हो जाएगा 12,500 इंडियन रुपीज़, लेकिन यहां पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 50 रियाल का, और 50 रियाल के डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 549 रियाल, यानी 549 रियाल। तो 549 रियाल को अगर इंडियन रुपीज़ में मैं कन्वर्ट करके बताऊं तो इसका प्राइस लगभग हो जाएगा मतलब कि 11,500 इंडियन रुपीज़।